बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ द कोर्स ऑफ ईडीसी। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मॉस डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। लेट्स बिगिन। सो इफ यू कैन रिकॉल, दिस इज द सेम सर्किट दैट वी वर स्टडिंग इन लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 23 इनफैक्ट। ठीक है, दिस इज द सेम सर्किट एंड वी हैव टू डू द डीसी एनालिसिस, वी हैव टू डू द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, बट दिस टाइम वी विल बी डूइंग इट विथ मेथड नंबर 2। सो आई विल अगेन नॉट बी डूइंग द डीसी एनालिसिस फॉर दिस सर्किट बिकॉज आई टोल्ड यू इन मच डिटेल दैट द डीसी सिग्नल अप्लाइड टू द गेट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज सिग्नल्स इज VCM, विच मीन्स सेम सिग्नल और एनी डीसी सिग्नल that can keep both Q1 and Q2 in saturation, and based on that this current I was dividing equally between the two branches, theek hai, and it was giving same VD1 and same VD2, VD1 VD2 same de raha tha. So the details of the same can be found from the lecture number 22 last 3 slides. Now we are going to start the small signal analysis with a new method. Actually, if you can observe, I have drawn the small signal model of this circuit, where what I have done I have actually removed the I have short circuited the VDD supply and have replaced it with a ground. गेट पे प्लस वी आई डी बाई 2 मौजूद है, इस पे माइनस वी आई डी बाई 2 मौजूद है। अच्छा, बिफोर वी बेसिकली मूव अहेड, मैंने एक चीज़ पिछली क्लास में डिस्कस की थी, वो मैंने कहा था कि VGS1 VID बाई 2 के बराबर है। वो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आप ऑब्जर्व करें कि मैं इस टर्मिनल के ऊपर एक ही सिग्नल दे रही हूँ जो कि प्लस में है, और इसी टर्मिनल के ऊपर वही सिग्नल दे रही हूँ जो कि माइनस में है, और ये सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक अपीयर करता है। बेसिकली ये गेट से सोर्स के दरमियान अपीयर हो रहा है, ये गेट से सोर्स के दरमियान अपीयर हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा ये होगा कि सेंटर पॉइंट जहाँ ये दोनों सिग्नल आके मिल रहे हैं, मैंने प्लस 3 को बेसिकली VID by 2 ले लिया और माइनस 3 को माइनस VID by 2 ले लिया, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ज़ाहिर ये DC सिग्नल नहीं है, AC है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं कि एक लाइन के ऊपर किसी एक जगह से प्लस में वही सिग्नल दे रही हूं, दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर दूसरी तरफ से माइनस में कोई सिग्नल दे रही हूं, तो इसके सेंटर में या जहां पे आके सिग्नल्स कंबाइन हो रहे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ मैंने 0 वोल्ट अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन इनका सेंटर पॉइंट इन दोनों अपोजिट वोल्टेजेस की वजह से खुद ब खुद से एक 0 पोटेंशियल पर चला जाएगा, जो कि मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, खुद से ओरिजिनेट होता हुआ इफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट सम हाउ 0 वोल्ट के ऊपर जो है वो अपीयर कर रहा है ड्यूरिंग द KVL। हम KVL यहाँ से यहाँ लगाते हुए जा सकते हैं, लेकिन फॉर एनालिसिस वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट एज 0 वोल्ट और एज अ ग्राउंड। तो अगला जो मॉडल है, जो मेथड है बेसिकली, उसमें हम करेंगे यही कि कंसिडरिंग एंड नोटिंग कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये टर्मिनल चूंकि 0 वोल्ट के करीब पहुंच चुका है, रफली यहाँ से और यहाँ से दो अपोजिट जो सिग्नल आ रहे हैं, चूंकि ये 0 वोल्ट्स पे है, दैट इज़ वाई वी कैन सेपरेट दिस सर्किट। मैं इस सर्किट को सेपरेट कर सकती हूँ कि मैंने प्लस VID बाय 2, ये RD, ये ग्राउंड, ये यहाँ कर लिया, और ये वाली चीज़, ये ट्रांजिस्टर बना के मैंने इसके सोर्स के ऊपर इस 0 वोल्ट की वजह से ग्राउंड दिखा दिया। अब मेरे पास एक आधा सर्किट डिफरेंट मौजूद है। ये सर्किट जो मैंने डिफरेंशियल इनपुट की वजह से आधा करके बनाया है, इस सर्किट को हम कहेंगे डिफरेंशियल हाफ सर्किट। ठीक है, जब डिफरेंशियल इनपुट दिया गया इनपुट के ऊपर, ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट का क्या मतलब है, दो सिग्नल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। जब डिफरेंशियल इनपुट दिया गया तो आधा सर्किट जो मेरे पास हासिल हुआ वो बेसिकली ये था, और इसकी वजह से इसको कहा जा रहा है डिफरेंशियल हाफ सर्किट। अब देखते हैं हाउ कैन वी सॉल्व यूजिंग दिस सर्किट। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली मैंने रीड्रॉ कर दिया उसी हाफ सर्किट को,
और अब मैंने बेसिकली इसके लिए स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया है, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये तो एक सिंपल सा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जिसका इनपुट जो है वो गेट पे है और आउटपुट ड्रेन से कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यही बेसिकली एक FET का मॉडल बना लिया, स्मॉल सिग्नल मॉडल बना लिया, VGS की जगह VGS1 लिख दिया, GM VGS1 एज इट इज लिखा, ID1 लिख दिया। इसके ड्रेन के ऊपर बड़ा मुझे क्लियर नज़र आ रहा है RD रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंड है। ड्रेन पे RD रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल आपका ग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, गेट के ऊपर प्लस VID/2 की सप्लाई है, वो गेट के ऊपर प्लस VID/2 की AC सप्लाई मैंने दिखा दी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व हो सकता है। ओम्स लॉ लगा दूँ आउटपुट टर्मिनल के ऊपर तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 0 -V01 डिवाइड बाय RD इज इक्वल टू GM1 VGS1, ठीक है। मैंने इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है, दोबारा से देख ले, ओम्स लॉ मैंने इस RD के ऊपर लगाया है, वो ओम्स लॉ क्या है, 0 -V01 डिवाइडेड बाय RD बराबर है करंट GM1 VGS1 के, ठीक है। ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि इक्वेशन कैसे आई है जो मैं ओम्स लॉ की बता रही हूँ, अब आपको मॉस्फेट के नाले से आती है, आपको पता होना चाहिए। उसको रीअरेंज किया तो ये V01 बन गया माइनस GM1 VGS1 RD। अब ज़रा VGS1 को देखें, ये और ये 100% एक दूसरे के पैरेलल में है, दोनों का ये टर्मिनल कॉमन है, दोनों का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। तो VGS1 और VID/2 के दरमियान कोई बीच में रेजिस्टर वगैरह लगा हुआ नहीं आ रहा, जो VID/2 है वही VGS1 है। तो मैंने VGS1 की जगह VID/2 लिख दिया। इसी VGS1 की वैल्यू को मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, मज़ीद ये कि ID1 क्या है, ID1 GM VGS1 होता है, ठीक है, ID1 होता है GM VGS1, तो ये क्या हो गया, GM1 VID/2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू पुट कर दी माइनस GM RD, और VGS1 की वैल्यू VID/2 मैंने पुट कर दी, ये मेरे पास सिंगल एंडेड गेन आ गया। VID को मैं बेसिकली इसके V01 के नीचे ले गई, ये वही गेन है जो मेथड नंबर 1 से आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दिस इज़ जस्ट अनदर मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द सेम एनालिसिस। तो ये बेसिकली सिंगल एंडेड डिफरेंशियल गेन है, क्योंकि किसी एक ब्रांच के लिए बेसिकली मैंने फाइंड किया। अगले स्टेप में मैंने ऐसा ही सर्किट बेसिकली बना लिया, किसके लिए, ट्रांजिस्टर Q2 के लिए, और उसका मैंने मॉडल बना लिया। मैंने उसका इनफैक्ट सर्किट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट मॉडल बना लिया Q2 के लिए कि उसके गेट के ऊपर जो सप्लाई लगी है वो प्लस VID/2 नहीं लगी हुई, माइनस VID/2 लगी हुई है। इसकी जगह मैंने VGS2 लिखा, VGS नहीं लिखा, GM2 VGS2 लिखा, V02 लिखा। बेसिकली ये जो आधा पार्ट बन रहा है डिफरेंशियल हाफ सर्किट ट्रांजिस्टर Q2 का, ये उसका मैंने मॉडल डायरेक्ट बना दिया है। ज़ाहिर है उसका भी बिल्कुल इसी टाइप का सर्किट बनेगा, Q1 की जगह Q2 लिखेंगे, V01 की जगह V02 लिख देंगे, और प्लस VID/2 के बजाय माइनस VID/2 लिख देंगे। ये डिफरेंशियल हाफ सर्किट बन जाएगा Q2 ट्रांजिस्टर के लिए, मैंने उसका मॉडल यहाँ पर डायरेक्टली बना दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे V01 जो था माइनस GM1 VGS1 RD के बराबर था, यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाएं, 0 -V02 डिवाइड बाय RD इज इक्वल टू GM2 VGS2, रीअरेंज करें ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे VGS2 किसके बराबर है, VGS2 और VID/2 ये जो माइनस में है ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों का टॉप टर्मिनल सेम है, दोनों के बॉटम टर्मिनल्स ग्राउंडेड हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। तो VGS2 माइनस VID/2 के बराबर आ गया। ID2 आपने फाइंड कर लिया इससे, और जो आपकी V0 की इक्वेशन थी माइनस GM2 VGS2 RD, इसमें VGS2 आपने पुट किया तो आपके पास V02 की ये वैल्यू आ गई, V02 डिवाइडेड बाय VID GM RD/2, वो आपका दूसरा सिंगल एंडेड डिफरेंशियल गेन बन गया, ठीक है। अच्छा, बेसिक मेथड जो V01 और V02 फाइंड करने का था वो चेंज था, आगे से जो डिफरेंशियल गेन फाइंड करना है उसके मेथड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ज़ाहिर एक दफ़ा आपके पास V01 की एक्सप्रेशन आ गई जो कि माइनस GM RD VID/2 है, और एक दफ़ा V02 की आ गई वो प्लस GM VID RD/2 है, तो उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो बेसिकली मेथड 1 के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मैंने बता ये दिया कि वंस वी हैव V01 एंड V02 अवेलेबल तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर इसका डिफरेंशियल गेन आप निकाल सकते हैं।
और ए डी डिफरेंशियल गेन बेसिकली इस वाले का ये आ जाएगा, और वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन भी आप निकाल सकते हैं, और इसको भी आप वी आई डी से डिवाइड करेंगे तो आपका डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है. दिस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द मेथड नंबर वन, बिकॉज वंस वी नॉट वन एंड वी नॉट टू आर अवेलेबल इवन विद द न्यू मेथड, आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन फाइंड करने का. Now we are actually trying to consider the effect of R naught. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि differential gain find कीजिए जिसमें R naught के effect को basically आपने consider करना है. तो circuit अब आपको basically ये given है, और जब कभी भी इस तरह के सर्किट्स आपको गिवन होते हैं, अंडरस्टूड है कि आपके पास ये जो सप्लाईज लिखी हुई है कि गेट के ऊपर डीसी सप्लाई दोनों की कॉमन है, करंट आधा आधा दोनों में डिवाइड है, तो इसी वजह से फिर मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया है कि डीसी एनालिसिस सर्किट की बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे लेक्चर 22 की लास्ट 3 स्लाइड्स में थी कि करंट हाफ हाफ में डीसी में डिवाइड हो रहा था, और जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था वही आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था, और आउटपुट वोल्टेजेस डीसी आउटपुट वोल्टेजेस दोनों के सेम आ रहे थे, और दोनों का डीसी आउटपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस जो था वो ज़ीरो आ रहा था. ये बात तो आपकी बिल्कुल इस पर भी वही है, वैसे ही वैलिड है. अब सवाल ये आता है कि अगर ये सर्किट मौजूद है तो फिर इसका गेन डिफरेंशियल गेन कैसे निकलेगा. अगेन वही बात है कि अब अगर मैं इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा. इसका स्मॉल सिग्नल जब मॉडल हम बनाएंगे तो ये आर एस एक रेजिस्टेंस दिखाई हुई है, चाहे यहाँ आर एस रेजिस्टेंस दिखाई हुई हो या एक करंट सोर्स दिखाई हुई हो, ये पॉइंट ज़ीरो वोल्ट पे क्यों पहुंच रहा है. ये पॉइंट ज़ीरो वोल्ट पे इसलिए पहुंच रहा है कि यहाँ से जो वोल्टेज पॉजिटिव में आ रहा है वही यहाँ से वही वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा है. तो ये टर्मिनल एक तरह से देखा जाए तो एक ज़ीरो वोल्टेज पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है. तो पहले तो स्मॉल सिग्नल के दौरान करंट सोर्स यहाँ लगी हुई थी वो तो वैसे ही ओपन हो गई थी, लेकिन अगर यहाँ करंट सोर्स नहीं लगी हुई, एक रेजिस्टर आरएस लगाया हुआ है, तो भी ये रेजिस्टर इनएक्टिव रहेगा. इनएक्टिव क्यों रहेगा, इसलिए कि जो वोल्टेज यहाँ से पॉजिटिव में आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है, विच विल अल्टीमेटली मेक दिस टर्मिनल अपीयर एट ज़ीरो वोल्ट. तो जब इस रेजिस्टर आरएस का ये टर्मिनल भी ज़ीरो होगा और ये टर्मिनल भी ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टर दोनों टर्मिनल पर एक ही वोल्टेज पर है. ये एक इनएक्टिव रेजिस्टर होगा जिसको कि हम शो नहीं करेंगे. अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है कि इसी का आधा हाफ सर्किट आप बेसिकली बनाएंगे. ठीक है, फॉर दिस पर्पस व्हाट आई हैव ड्रॉन द डिफरेंशियल हाफ सर्किट अगेन. मैं इसको डिफरेंशियल हाफ सर्किट क्यों कह रही हूँ, डिफरेंशियल हाफ सर्किट इसलिए कह रही हूँ कि इनपुट में जो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंशियल हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी, एंड दिस टाइम वी आर कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस आर नॉट. प्लीज नोट कि ये जो आर नॉट रेजिस्टेंस है ऑफकोर्स ये स्मॉल सिग्नल मॉडल का हिस्सा है, लेकिन मैंने बना यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि पता चल जाए कि हम इसको आर नॉट को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे. सो वंस वी हैव द सर्किट अवेलेबल, आप देखें कि वी डी डी सप्लाई को बेसिकली मैंने ग्राउंड दिखाया, आर डी एज इट इज़ रहा, वी आई डी ये पोर्शन पूरा एज इट इज़ रहा कि गेट पे वी आई डी बाई टू मौजूद है, इसकी जगह बेसिकली मैंने ग्राउंड दिखाया फॉर द सेम रीज़न दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड. इसका अब आपने क्या करना है, इसका अब आप स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे. अगर थोड़ा सा स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने का आइडिया हो गया है आपको, तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि सिर्फ एक ही चेंज है इस सर्किट में और पिछले वाले सर्किट में, वो ये कि यहाँ पे आर डी रेजिस्टेंस के साथ ये आर नॉट पैरेलल में आ जाएगी. क्यों पैरेलल में आ जाएगी, कि ये टर्मिनल आर नॉट का और आर डी का ये टर्मिनल कॉमन है, आर डी का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, आर नॉट का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है. तो पूरी एनालिसिस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही होगी, लेकिन सिर्फ क्या है, जहाँ जहाँ रजिस्टर आर डी आ रहे हैं ना वहाँ उसके साथ आर नॉट भी पैरल में करेंगे. तो इसी लिहाज से आपके पास जो वी नॉट वन आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, उसमें भी आर डी पैरल आर नॉट नज़र आ रहा है, और जो वी नॉट टू नज़र आ रहा है उसमें भी आर डी पैरल आर नॉट टू नज़र आ रहा है, बाकी सब कुछ ये बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको. अच्छा, ये वंस वी हैव एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वी नॉट वन अवेलेबल, वी कैन ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई वी आई डी. जो पीछे वी नॉट वन आपने कैलकुलेट किया था मैंने उसी में वी आई डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और माइनस जी एम आर डी पैरल आर नॉट डिवाइड बाई टू. ये आपका बेसिकली अगर आप नोट करें तो सिंगल एंडेड डिफरेंशियल गेन निकल रहा है कंसिडरिंग आर नॉट.
बिल्कुल इसी तरह से वी नॉट टू का यही चीज़ प्लस में आंसर आ जाएगा। वही मैं बता रही हूँ कि सारे आंसर्स आपने खुद से कैलकुलेट करने हैं। और मैंने इनफैक्ट पिछले वाले पेज के ऊपर जो है वो मैंने Q2 ट्रांजिस्टर का डिफरेंशियल हाफ सर्किट नहीं बनाया है, बट आपको उसका डिफरेंशियल हाफ सर्किट और उसका डिफरेंशियल मॉडल, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है और एक ही जैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो मैंने बार बार उसको रीड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो आपने बना के पेपर में सॉल्व करना है, डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं लिखनी है। वी नॉट टू जो लास्ट प्रीवियस पेज पे फाइंड किया है उसके अंदर से भी मैंने VID कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और ये V02, ये दोनों हमारे पास सिंगल एंडेड डिफरेंशियल गेन्स मिल गए। इन्हीं दोनों को डिफरेंस निकाल कर बेसिकली हमने अगले स्टेप में जो है वो दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद VID को कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन मिला है जो कि V01 माइनस V02 से है। या मैं पहले V02 फिर V01 लिखूँ, तो बेसिकली सॉल्व करके देख लीजिएगा यही चीज़ प्लस में आपका आंसर आ रहा होगा। तो दीज आर द डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन एंड दीज आर द स्मॉल आई एम सॉरी सिंगल एंडेड डिफरेंशियल गेन्स। इट इज़ टोटली अप टू यू दैट विच मेथड यू फॉलो, बट आई वुड सजेस्ट के मेथड नंबर टू, जिसके अंदर आप आधा डिफरेंशियल हाफ डिफरेंशियल हाफ सर्किट बना के सॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक दिस मेथड इज़ मोर फीजिबल, ताकि इसमें गलती के चांसेस कम है। तो आप भी इसी मेथड को यूज़ करते हुए कोशिश करें कि मेथड टू को यूज़ करते हुए सारी एनालिसिस अपनी कंप्लीट करें। अच्छा, डिफरेंशियल गेन का टॉपिक एक तरह से देखा जाए, डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करने का मेथड वन और टू जो है वो एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं, बट देर इज़ जस्ट वन कॉन्सेप्ट रिलेटेड ओवर हियर जिसको देख लेते हैं। वो ये कि देखें, ये बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो स्मॉल सिग्नल मॉडल का हिस्सा बना हुआ है बेसिकली, और जिसके अंदर मैंने अभी आड़ी वाड़ी वाले पार्ट को शो नहीं किया, ग्राउंड को आगे शो नहीं किया। अब मैंने इसको भी 0 वोल्ट शो नहीं किया हुआ इस वक्त ना, बल्कि सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि इसके इनपुट पे प्लस VID, इस पे माइनस VID है, और ये बेसिकली डिफरेंशियल सिग्नल्स अप्लाइड हैं। बेसिकली सिर्फ बुक में कॉन्सेप्ट और बताया गया है कि अगर आप मॉडल बना के काम नहीं करना चाहते, जैसा कि हमने मेथड वन के अंदर किया या मेथड टू के अंदर किया, तो डायरेक्टली आईडी करंट को, जो कि बेसिकली इस आईडी करंट कौन सा, एसी आईडी करंट की बात हो रही है ना, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इस आईडी करंट को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या हो सकता है, वो ये कि चूंकि दोनों के सोर्सेज आपस में जॉइंड है, तो इसका मतलब है कि ID1 करंट जो इस मॉस्फेट में फ्लो कर रहा होगा वो इसमें भी जा रहा होगा, और अगर मैं इसके ID2 की बात करूं तो वो जो ID2 इसमें फ्लो कर रहा है वो इसमें भी जा रहा होगा। डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि ID1 का जो डायरेक्शन है वो ID2 के डायरेक्शन के अपोजिट है, या जो ID2 का डायरेक्शन होगा वो ID1 के अपोजिट होगा। तो अगर मैं ID1 फाइंड कर लूँ, दोबारा से मैं बता रही हूँ, ID1 इज़ द करंट फ्लोइंग इन दिस ट्रांजिस्टर, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं ये कह रही हूँ कि दोनों के सोर्सेज जॉइंड हैं आपस में, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यही करंट ID1 सीरीज में ना, आपस में सोर्सेज जॉइंड है, तो यही करंट बेसिकली आगे जा रहा होगा। या अगर मैं ID2 की बात करूँ तो मैं कहूँगी ना कि सोर्सेज जॉइंड है तो यही करंट आगे जा रहा होगा। तो डायरेक्टली हम कह, अच्छा, एट द सेम टाइम आपने मॉस्फेट की अब इतनी एनालिसिस की है तो थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर हो जाना चाहिए दैट वेन एवर वी लुक इन टू द सोर्स टर्मिनल ऑफ एनी मॉस्फेट, द रेजिस्टेंस दैट वी ऑब्जर्व इज 1/GM। किसी भी मॉस्फेट के सोर्स टर्मिनल से देखने पर जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो 1/GM नज़र आती है। तो कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को भी अपने जहन में रखें कि सोर्स के अंदर बाहर तो हमें नज़र नहीं आ रही, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है कि सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस लगी हो या यहाँ सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस लगी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनली इंटरनल टू दिस मॉस्फेट सोर्स टर्मिनल के अंदर 1/GM रेजिस्टेंस मौजूद है, और इसके अंदर टर्मिनल में भी 1/GM रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगा कर देखूँ, या बुक में बेसिकली बताया गया कि अगर ओम्स लॉ यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया जाए टू फाइंड द करंट ID1, तो वो ID1 करंट क्या हो सकता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, क्योंकि हम अज्यूम करें कि ID1 यहाँ से जा रहा है, VID प्लस VID/2 माइनस VID/2, ये रहा ओम्स लॉ, ऊपर आ गए वोल्टेजेस, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। इन दो टर्मिनल्स के दरमियान बाहर दिखने वाली तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट इंटरनली अगर सोर्स से देखा जाए तो यहाँ 1/GM थी, यहाँ 1/GM थी, तो यहाँ से यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितनी है,
वन ओवर जी एम प्लस वन ओवर जी एम, इन दोनों का सम क्या बना, टू ओवर जी एम। तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज डिफरेंस था वो ये था, और यहां से यहां तक जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, टू ओवर जी एम थी। आई इक्वल टू वी ओवर आर का रेशो लगाने की कोशिश की गई है। तो ये हाफ और हाफ थे, ऐड होके वी आई डी बन जाएंगे, टू ओवर जी एम डिनोमिनेटर में है, ये जी एम ऊपर चला जाएगा, तो जी एम वी आई डी बाई टू। आई डी वन की इक्वेशन आपके पास आ गई जी एम वी आई डी बाई टू। आई डी टू क्या होगा, आई डी टू इसी का नेगेटिव में होगा, और आई डी टू इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जी एम वी आई डी बाई टू। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये बताने के लिए कि अगर डायरेक्टली आईडी करंट की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो बेसिकली इस मेथड के थ्रू भी इस चीज़ को जहन में रखते हुए भी हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट जो बुक में गिवन था, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ओवर हियर। ओके, नाउ ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि बेसिकली सर्किट आपके पास वही है जो पहले भी आप स्टडी करके आए, जिसकी एनालिसिस आपको कहा जा रहा है कि टोटल बायस करंट आईडी की वैल्यू 0.8 मिली एम्पेयर है, ट्रांजिस्टर्स जो है वो उनका डब्ल्यू बाई एल रेशियो 100 है, म्यू एन सी ओ एक्स जो है वो 0.2 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है, वी ए की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स आर नॉट आपने कंसिडर करना है। अच्छा, अगर सर्किट ऐसा बना हुआ होता जिसमें सपोज करें ये आर नॉट ना दिखाया हुआ होता लेकिन वी ए की वैल्यू गिवन होती, तो इवन इन दैट केस यू वुड हैव कंसिडर्ड आर नॉट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आर नॉट सर्किट में आपको बना हुआ मिले। ओके, आर डी इज़ 5 किलो ओम, यू हैव टू फाइंड द ओवर ड्राइव वोल्टेज जी एम आर नॉट एंड ए डी। प्लीज़ नोट कि ओवर ड्राइव वोल्टेज इस सर्किट का और अब तक जितने भी सर्किट्स हम हमारे पास आए हैं एक ही मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं, विद द अजम्पशन दैट कि ये इन दोनों के गेट्स के ऊपर जो डी सी वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, थीके? जो कि बेसिकली क्वेश्चन के अंदर अलग से भले गिवन नहीं था, बट मैंने प्रीवियस एनालिसिस से उठा के यहाँ पे प्लेस भी कर दिया है कि अंडरस्टूड है कि हम दोनों के ऊपर जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं वो दोनों के गेट्स पे सेम दे रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट दोनों का जो डीसी करंट होगा, चाहे आईडी वन ले लूँ या आईडी टू ले लूँ, वो बेसिकली यही सैचुरेशन के हिसाब से द इक्वेशन विल बी दिस, और आईडी वन और आईडी टू दोनों ही आई बाय टू के बराबर होंगे, हाफ ऑफ द करंट। ठीक है, अच्छा, put in all the remaining values which are given, half लिख दिया, k n w by l is also given, w k n is given separately, w by l का ratio 100 given है वो आपने put किया, vgs minus vt which represents the overdrive voltage आपने calculate कर लिया, और ये value आ गई आपके पास 0.2, i की value 0.8 मिली एम्पेयर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, gm आपने फाइंड किया, gm डायरेक्टली यहाँ i ओवर v नॉट v लिखा हुआ है, अदरवाइज ये प्रीवियस एनालिसिस में देखिएगा कि अगर करंट जो है वो आई बाई टू होता है, आई डी करंट आई बाई टू होता है, वैसे तो था यहाँ पे टू आई डी ओवर वी जी एस माइनस वी टी, आई डी इस वक्त चूँकि आई बाई टू है तो उस टू से डिनोमिनेटर वाला टू कैंसिल होकर ये आई ओवर वी ओ वी बच गया। आप इस फॉर्मूला को ना भी यूज़ करें, आप डायरेक्टली यूज़ करें टू आई डी ओवर वी जी एस माइनस वी टी, और आई डी के अंदर 0.8 मिली एम्पेयर आप पुट ना करें, आईडी के अंदर 0.4 मिली एम्पेयर पुट करेंगे ना, इसलिए कि एक का करंट आईडी जो है वो 0.4 है, तो 2 आईडी ओवर वीजीएस माइनस वीटी से पुट करें, वीजीएस माइनस वीटी की जगह तो यही आप पुट करेंगे 0.2, लेकिन ट्वाइस ऑफ आईडी के अंदर जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मिली एम्पेयर आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जीएम आपके पास बेसिकली यही आ जाएगा। आर नॉट आपने फाइंड कर लिया, वी ए ओवर आईडी से होता है, यह आर नॉट हो गया। अच्छा, ये प्लीज़ नोट कि मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ की है, ऐसा हो सकता है कि पेपर में ये सर्किट गिवन हो, कहा जाए कि पहले पूरी इसकी एनालिसिस करें, वी नॉट वन फाइंड करें यूजिंग द मेथड टू। अच्छा, मैं सजेस्ट, मैंने पहले भी यही किया था कि ऑल द बोथ मेथड्स हैव बीन टॉट टू सॉल्व सच सर्किट्स, आपको डिफरेंशियल मेथड नंबर टू जिसमें कि मॉडल बना के सॉल्व करते हैं उसके थ्रू काम करना है। सो ऐसा हो सकता है पेपर में कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सारे एक न्यूमेरिकल हो लेकिन आप इसके मार्क्स ज़्यादा हों और कहा जाए कि पहले सारी डेरिवेशन करें फिर एट द एंड जो फार्मूलाज आ रहे हैं उस पर वैल्यूज पुट करें, तो उस वक्त आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। इस वक्त आ रहे इतना शॉर्ट सा न्यूमेरिकल इसीलिए नज़र आ रहा है कि वी हैव रिसेंटली डन ऑल द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, इस वक्त तो आपने डायरेक्टली पुट कर दिया जी एम आर डी पैरल आर नॉट, जी एम की वैल्यू आर डी आर नॉट सब अवेलेबल है, दिस इज योर डिफरेंशियल गेन।
ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल गेन आ गया। ओके, कॉमन मोड गेन अब हमें बेसिकली फाइंड करना है। एज द नेम सजेस्ट, ऑफ कोर्स ये कोई गेन होगा, और कॉमन मोड का बहुत क्लियर अल्फाज में मतलब ये है कि एट द गेट टर्मिनल वी विल बी अप्लाइंग सिमिलर एसी सिग्नल्स। पहले हम प्लस और माइनस वीआईडी बाय टू पुट कर रहे थे जो कि सेम मैग्नीट्यूड के थे, अपोजिट इन पोलैरिटी थे। नाउ वी आर अप्लाइंग एग्जैक्टली सिमिलर एसी सिग्नल्स ऑन बोथ द टर्मिनल्स, ठीक है, जिसको कि बेसिकली अच्छा इसके अंदर स्टिल डीसी वोल्टेज जो है वही है जो कि वीसीएम है, जिसको कि शो नहीं किया गया है। एंड वी आर आई मीन श्योर अबाउट इट कि करंट आई जो है वो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, डीसी की बात हो रही है, और इसका जो डीसी ड्रेन वोल्टेज है, इसका जो डीसी ड्रेन वोल्टेज है, दे बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल, ठीक है। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर ट्राइंग टू डू द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल सिग्नल मॉडल। अच्छा, करना क्या है कि सबसे पहले ये जो करंट सोर्स है बेसिकली ये तो हो गई ओपन सर्किट, ये इस करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको कि बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ओमिट नहीं होगी इस दफ़ा। क्यों नहीं होगी मैं बताती हूँ। ड्यूरिंग द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करंट सोर्स तो ओपन हो गई, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के दौरान यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पर एट द सेम टाइम इसकी जो करंट सोर्स की रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पर मौजूद रही। अब इससे हो क्या रहा है, लेट अस सी दैट। अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस केस में जब हम यहाँ पे प्लस वी आई डी बाई टू और यहाँ पे माइनस वी आई डी बाई टू अप्लाई कर रहे थे, तो उसके नतीजे में इन दोनों के टर्मिनल्स के ऊपर इस तरह से जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था, इस तरह से वही नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था, जब ये टर्मिनल जीरो वोल्टेज पे चला गया था, और जो रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई थी उसका ये टर्मिनल भी जीरो पे था, ये टर्मिनल भी जीरो पे था, दैट इज़ वाई वो रेजिस्टेंस इनअफेक्टिव हो गई थी। नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड बिकॉज वी आर अप्लाइंग एग्जैक्टली सिमिलर वोल्टेजेस ऑन द गेट्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। इनमें कोई पोलैरिटी का डिफरेंस भी नहीं है, इवन दे आर सेम। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनल जो कि पहले हमने जीरो पे अज्यूम किया था डिफरेंशियल के एनालिसिस पे, इट विल नो मोर बी जीरो वोल्ट। जब ये जीरो वोल्ट नहीं है तो ये रेजिस्टर जो यहाँ पे मौजूद है ये इनअफेक्टिव नहीं है, बल्कि ये मौजूद रहेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम कि वीडीडी जो है जो कि ग्राउंड पे कन्वर्ट हो चुका है, बाकी ये सारा वीआईसीएम सब कुछ एज इट इज ही नज़र आ रहा है, दिस इज ऑल्सो सेम, ऐसे ही नज़र आ रहा है। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस सर्किट इंटू टू पार्ट्स। अब आप थोड़ा सा नोट ये करें कि मैंने जब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका सोर्स तो ग्राउंड नहीं है, किस तरह से इसको आप डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस जो इनके सोर्स में लगी हुई है, इसका कुछ हिस्सा इसके पास चला जाएगा और इसका कुछ हिस्सा इसके पास चला जाएगा। वो क्या होगा जब आप देखें दो रेजिस्टेंस, ये बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि दोनों के सोर्सेस के ऊपर अपनी अपनी रेजिस्टेंसेस थी, जिसका नाम था 2RSS। Q1 के पास अपनी एक रेजिस्टेंस थी जिसका नाम था 2RSS, Q2 के पास अपनी रेजिस्टेंस थी जिसका नाम था 2RSS। जब दोनों के सोर्सेस को ज्वाइन किया गया तो क्या हुआ, ये 2RSS और ये 2RSS एक दूसरे के आगे पैरेलल में, तो जब ये 2RSS जो है वो बेसिकली आपस में जब इन दोनों के सोर्सेज को ज्वाइन किया जाता है और ये 2RSS पैरेलल टू दिस 2RSS आता है, तो 2RSS और 2RSS का जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें क्या बनता है, बनता है बेसिकली RSS, यानी कि 2RSS और 2RSS का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। तो पता ये चला कि मैंने आपको बेसिकली रिवर्स में एक्सप्लेन किया है, जब मैं इस RSS को तोड़ूंगी कि आधा Q1 को देती और आधा इसका Q2 को देती, तो इसको किस प्रोपोर्शन से कितना Q1 को देती और कितना Q2 को देती, ये मुझे पूछना था बेसिकली। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लगी है जो कि दोनों की कंबाइंड लगी है, वो किसी चीज़ का रिजल्टेंट है। वो किस चीज़ का रिजल्टेंट है, वो इसकी अपनी जो रेजिस्टेंस थी और इसकी जो अपनी सोर्स की रेजिस्टेंस थी, उन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो रिजल्टेंट RSS कैसे आया होगा, रिजल्टेंट RSS उस वक्त आया होता कि जब इसके पास भी इसकी डबल रेजिस्टेंस होती, इसके पास भी इसकी डबल रेजिस्टेंस होती, जब इन दोनों के सोर्सेज ज्वाइन होते तो रिजल्टेंट में ये आता। तो पता ये चला कि जब किसी रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दो पैरेलल रेजिस्टेंस में आपने कन्वर्ट करना है तो उस रेजिस्टेंस को आप डबल कर देंगे, या इन अदर वर्ड दो डबल रेजिस्टेंस जो भी मौजूद है सेम, उसका रिजल्टेंट एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि अगर हम इस सिंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब है इसके पास अपना 2RSS है, इसके पास अपना 2RSS है, जब दोनों ज्वाइन होंगे तो पैरेलल में ये बन जाएगा।
ये सर्किट मेरे ख्याल से कोई डिफरेंट आई मीन डिफिकल्ट सर्किट नहीं है, इसलिए कि एक अगर नोट करें, इट इज़ एक्चुअली अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, इनपुट एट द गेट, आउटपुट एट द ड्रेन, और ये डी जनरेशन का केस बन रहा है. डी जनरेशन मीन सम रेजिस्टेंस ऑन द सोर्स टर्मिनल. तो कॉमन सोर्स में डी जनरेशन का केस है. इस तरह से आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर चुके हैं सर्किट्स, इसी को सॉल्व करते हैं. अच्छा, ये जो दो पार्ट्स आपने सर्किट के ब्रेक किए हैं आउट ऑफ दिस सर्किट, इनको जो है वो कॉमन मोड हाफ सर्किट कहते हैं. पिछली दफा वालों को डिफरेंशियल हाफ सर्किट कहा जा रहा था, इनको हम कॉमन मोड हाफ सर्किट कह रहे हैं. डिफरेंशियल हाफ सर्किट जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने फिर भी दोनों के पार्ट्स का मॉडल बना के दिखा दिया था किसी एक जगह. यहाँ पे मैं दोनों का डिफरेंट मॉडल नहीं बनाऊंगी क्योंकि सर्किट में कोई चेंज नहीं है और ना ही इनपुट में कोई चेंज है. उसमें तो फिर इनपुट पे चेंज था ना, प्लस वी आई डी बाई टू था, इसमें माइनस वी आई डी बाई टू था. यहाँ तो वो चेंज भी नज़र नहीं आ रहा, सेम है एग्जैक्टली. तो मैंने एक ही का ट्रांजिस्टर का मॉडल बना लिया, प्लस वी जी एस वन रखा, एक नॉर्मल मॉडल बना लिया ट्रांजिस्टर का, गेट के ऊपर वी आई सी एन दिखा दिया, सोर्स के ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस दिखा दी, टू आर एस एस नज़र आ रही है, ड्रेन के ऊपर आर डी है, ग्राउंड है, वी नॉट वन है. ड्रेन के ऊपर आर डी है, वी नॉट वन है, ग्राउंड है, ये नज़र आ रहा है. अप्लाई ओम्स लॉ एट द आउटपुट टर्मिनल, जीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर डी, जीरो माइनस वी नॉट वन डिवाइड बाई आर डी बराबर है जी एम वन वी जी एस वन करंट के. हेयर इट इज़. रीअरेंज द इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. मुझे इसमें वी जी एस वन पुट करना है सम हाउ सो दैट आई कैन फाइंड द गेन. यहाँ वी जी कितना है, गेट वोल्टेज यहाँ पे है वी आई सी एम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. सोर्स वोल्टेज यहाँ पे कितना है, सोर्स वोल्टेज यहाँ का कैसे पता चल सकता है, ऐसे पता चल सकता है कि इस सोर्स टर्मिनल के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट आ रहा है आई इंटू आर लगा के यूज़ कर लें. तो सोर्स वोल्टेज ये वोल्टेज है, यहाँ रेजिस्टेंस कितनी है टू आर एस एस, यहाँ का करंट कितना है जी एम वी जी एस. तो वी एस सोर्स वोल्टेज बराबर होगा आई दिस करंट आई इंटू दिस रेजिस्टेंस आर, यही मैंने किया है. सोर्स वोल्टेज बराबर है दिस करंट आई के जी एम वी जी एस इंटू आर. अब मेरे पास सोर्स वोल्टेज भी आ गया, वी जी एस वन निकालती हूँ, वी जी माइनस वी एस, वी जी की वैल्यू पुट की, वी एस की वैल्यू आपने पुट की. इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको वी जी एस का फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है. ब्रिंग दैम ऑन वन साइड, इसको इस साइड पर ले जाएँ एंड एट द सेम टाइम टेक द टर्म वी जी एस कॉमन. वी जी एस को मैं कॉमन भी ले लिया और इस वाली टर्म को मैं साइड पर भी ले गई. वन आ गया प्लस टू आर एस एस एन जी एम, ये कॉमन बच गया आपके पास, ये रहा वी आई सी एम एज इट इज आ गया. वी जी एस वन मेरे पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ वी आई सी एम एज दिस. इस वी जी एस वन को मैंने उठाकर इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर मैंने पुट किया, तो माइनस जी एम और आर डी तो मौजूद ही था, ये लिखा हुआ है. वी जी एस वन की इक्वेशन मेरे पास मैंने यहाँ पे पुट कर दी. इसमें से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास वी नॉट वन की इक्वेशन है. अगर आप ऑब्जर्व करें, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वी नॉट वन इन फॉर्म ऑफ वी आई सी एम. यही बेसिकली एग्जैक्टली सेम विद द सेम साइन, साइन में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा. वी नॉट टू की भी बिल्कुल यही इक्वेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ वी आई सी एम, साइन का भी डिफरेंस नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा कि इनपुट दोनों के गेट्स के ऊपर जो है वो सेम है. तो अच्छा, अगर मैं इस V नॉट वन में से वी आई सी एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आऊँ तो ये माइनस जी एम आर डी और ये चीज़ बच जाएगी. ये जो जी एम है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ इस पूरे के, तो वन ओवर जी एम आ जाएगा और इस फैक्टर से जी एम कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली मैंने क्या किया है, जी एम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, जी एम ऊपर से भी और जी एम यहाँ से भी कॉमन निकाला. या कह लें इसके नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये वन ओवर जी एम टू आर एस एस आ गया. बेसिकली इस जी एम से इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे लेके चली गई हूँ. तो ये मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई, वी नॉट वन की इक्वेशन वी आई सी एम के फॉर्म में. चाहूँ तो ये वी आई सी एम यहाँ रखूँ, चाहूँ तो वी आई सी एम यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इट इज़ एक्चुअली द सेम थिंग. ये बेसिकली गेन बता रहा है. कौन सा गेन बता रहा है, सिंगल एंडेड गेन बता रहा है मुझे. किसका, सिंगल एंडेड कॉमन मोड गेन बता रहा है. जब सिग्नल इनपुट पे कॉमन अप्लाई किए थे तो इसका जो गेन है वो कॉमन मोड गेन कहलाएगा. चूंकि ये एक आउटपुट है वी नॉट वन, तो दिस विल बी कॉल्ड अ सिंगल एंडेड कॉमन मोड गेन. देख लेते इसे. इसी तरह से अगर मैं वी नॉट टू का निकालती तो वी नॉट टू का बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आती, कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आती.
अगले स्टेप में इन इक्वेशंस को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके बुक में लिखा गया है और कहा है कि 1/GM की वैल्यू आमतौर पे स्मॉल होती है काफ़ी एज कम्पेयर टू ट्वाइस ऑफ RSS. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज V0 1/VICM, यानी इसमें से 1/GM का फैक्टर हटा दें, RD/2 RSS बन जाए माइनस के साथ. तो V0 1 वाली क्या बन गई, -RD/2 RSS, और V0 2 वाली क्या बन गई, -RD/2 RSS. इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है, यही मैं बार बार बता रही हूँ. अप्रोक्सीमेशन आपने अब कर दी है, कहा है कि 1/GM बहुत स्मॉल है, निगलेक्टेड, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 RSS दोनों के बच गया. अच्छा, अगर वही अभी मैं बता चुकी हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ACM कॉमन मोड गेन को इंडिकेट कर रही हैं, चाहे V0 1/VICM की बात करूँ, चाहे V0 2/VICM की बात करूँ, बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग कॉमन मोड गेन, इन दोनों को रिप्रेजेंट करिए, लेकिन ये सिंगल एंडेड है. और क्या इनकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, दोनों पे मैग्नीट्यूड है. जब भी देखें मैंने साइन दोनों का हटा दिया है, ठीक है, विदाउट मैग्नीट्यूड भी ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ACM डिफरेंशियल या डबल एंडेड ACM क्या होगा, चूंकि ये और ये V0 1, अगर मैं इसमें से V0 1 निकालूं तो क्या आएगा, VICM यहाँ चला जाएगा, इसमें से V0 2 निकालूं, VICM यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब मैं V0 1 और V0 2 का डिफरेंस लूँ तो क्या आएगा, जीरो ही तो आ रहा होगा. तो V0 1 और V0 2 का डिफरेंस निकाला और VICM से डिवाइड किया, इट विल एग्जैक्टली बी ज़ीरो. कैसे ये बात मैं बता रही हूँ, इस इक्वेशन से V0 1 निकाल ले, इस इक्वेशन से V0 2 निकाल ले, टेक द डिफरेंस और VICM को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये दोनों चूंकि टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, एक माइनस की हो जाएगी, एक प्लस की हो जाएगी, आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा. तो पता ये चला कि जब हम कॉमन मोड इनपुट दे रहे होते हैं, दोनों के ऊपर सेम AC सिग्नल इनपुट पर दे रहे होते हैं, तो हमारे पास डबल एंडेड कॉमन मोड गेन जो है वो हमेशा ज़ीरो आता है, क्योंकि आपको पता है जब सेम इनपुट देंगे तो सेम AC सिग्नल यहाँ प्रोड्यूस होगा, सेम AC सिग्नल V0 2 पे प्रोड्यूस होगा, द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, जब भी इसका गेन भी ज़ाहिर है ज़ीरो आ रहा है. Now we are going to calculate the one last thing, which is the common mode rejection ratio. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपको पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ा था, और वो ये बताता था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कितनी एबिलिटी है कि वो कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट कर सकता है, या कॉमन सिग्नल्स की वजह से जो आउटपुट देता है उनका डिफरेंस ज़ीरो आ जाए. ठीक है, तो अब क्या है, कॉमन मोड जो है वो बराबर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए AD/ACM, यानी डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो. हम चाहें तो AD/ACM सिंगल एंडेड पुट करें, और हम चाहें तो AD/ACM जो है वो डबल एंडेड पुट करें. ठीक है, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सिंगल एंडेड वैल्यूज़ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डबल एंडेड वैल्यूज़ के लिए भी करते हैं. अभी हम दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे. इसके लिए मैं पूरी एनालिसिस दोबारा नहीं करूँगी, बल्कि करूँगी ये कि जो रिजल्ट्स अब तक मैं इस्तेमाल करती आई थी, मैं उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करूँगी. ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पेपर में कहा जाएगा कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ योर एनालिसिस, तो आपको पूरा कॉमन डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करके दिखाना होगा. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पूरा डिफरेंशियल गेन, पूरा कॉमन मोड गेन कैलकुलेट करना होगा, और फिर आप बताएंगे कि जी ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं, उससे हम जो है वो इस वक्त CMRR फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि मैं भी ये जो CMRR फाइंड कर रही हूँ उसी वक्त फाइंड कर रही हूँ ना, जब मैंने डिफरेंशियल गेन निकाल लिया, यानी मैंने AD निकाल लिया, ACM निकाल लिया, जब इनके रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं तो मैं उससे कॉमन गेट CMRR फाइंड कर रही हूँ. तो पेपर में अगर CMRR फाइंड करने आता है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल गेन फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड द कॉमन मोड गेन फर्स्ट, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग CMRR यूजिंग द रिजल्ट्स दैट यू ऑब्टेन इन द प्रीवियस एनालिसिस. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल एंडेड जो है वो CMRR फाइंड करने का क्या तरीका होगा. इसके लिए मुझे AD भी सिंगल एंडेड वाला मिले, डिफरेंशियल गेन भी सिंगल एंडेड वाला मिले, और कॉमन मोड गेन भी सिंगल एंडेड वाला मिले. मैंने स्लाइड 4 से इस लेक्चर के सिंगल एंडेड AD उठा लिया है. सिंगल एंडेड AD का मतलब ये है कि सिर्फ आउटपुट किसी एक टर्मिनल का लिखा हुआ हो, डिफरेंस ना हो. सिंगल एंडेड AD मैंने कैसे उठाया है, स्लाइड 4 से उठाया है, जिसपे एक आउटपुट है डिवाइड बाय द डिफरेंशियल गेन, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है.
मैंने स्लाइड 12 से इस लेक्चर की उठाया है, ये भी मेरे पास सिंगल एंडेड गेन है, लेकिन सिंगल एंडेड कॉमन मोड गेन है क्योंकि एक ही टर्मिनल है और कॉमन मोड इनपुट का निकाला है, ये आपने कैलकुलेट अभी थोड़ी देर पहले ही किया स्लाइड 12 में। CMRR AD और ACM का रेशियो होता है। AD क्या है? अच्छा, CMRR इज अ मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव अ साइन। आई फॉरगॉट टू पुट इन द मैग्नीट्यूड साइन, इसको इन फैक्ट मैंने अब यहाँ लगा भी दिया, चलो ठीक है। GMRD बाय 2 AD की वैल्यू, ACM की क्या वैल्यू है? RD ओवर 2 RSS, ये वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, RD से RD कैंसिल हो गया। CMRR सिंगल एंडेड का निकला, AD सिंगल एंडेड यूज किया है, ACM सिंगल एंडेड यूज किया है, तो CMRR मेरे पास सिंगल एंडेड का निकला GM into RSS। लेट्स कैलकुलेट CMRR फॉर डिफरेंशियल वैल्यूज। मैंने क्या किया है, अब मैं डबल एंडेड AD और डबल एंडेड ACM को यूज करना चाहूंगी और फिर इसका CMRR कैलकुलेट करूंगी। मैंने स्लाइड 5 से डिफरेंशियल डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन की वैल्यू उठाई इसी लेक्चर की स्लाइड 5 से, वो ये आ रही थी माइनस GMRD वैल्यू, और इसी लेक्चर के स्लाइड 12 से मैंने ACM का डिफरेंशियल गेन उठाया जो कि जीरो आ रहा था। अब जब मैंने CMRR में AD ओवर ACM पुट किया तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि AD ओवर ACM तो डबल एंडेड का, डबल एंडेड कॉमन मोड गेन का ACM तो हमेशा ज़ीरो ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AD ओवर ACM जो कि ACM ज़ीरो है तो CMRR इनफाइनाइट आ रहा है। तो डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर हम यूज़ करते हुए और डबल एंडेड कॉमन मोड गेन किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए CMRR फाइंड करेंगे, इट विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हेयर।